हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप टीवी लेना चाहते हैं और ब्रांड पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ब्रांड का लें? अगर आप सैमसंग सोच के रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं 32 इंच का सैमसंग का टीवी का क्या फीचर्स होने वाला है, साउंड क्वालिटी किस तरह से होने वाला है, वीडियो क्वालिटी किस तरह से होने वाला है, प्राइस क्या होने वाला है, सारा कुछ एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे आप लोगों को, चला के टेस्ट करके बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, हमारे पास सैमसंग का टीवी है जो कि 32 इंच का है और इसका मॉडल नंबर बता देते हैं पहले, 4 सीरीज का है ये, T4310 इसका मॉडल नंबर है। तो ये 80 सेंटीमीटर जो कि 32 इंच का आता है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, टीवी को किस तरह से हैंडल करना है वो दिया गया है, सैमसंग वालों ने ये दिया है। क्विक सेटअप गाइड जो कि इसे देख के आप आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरह से स्क्रू वगैरह टाइट करना है और किस तरह से इसे सेटअप बॉक्स वगैरह में जोड़ना है, सारा कुछ इस डिटेल दिया गया है इसमें। तो ये रिमोट मिल जाता है सैमसंग का और एक पावर कोर्ड जो कि इस तरह से है, इसका लेंथ लगभग 1.5 मीटर के आसपास में है। तो ये इस तरह का कोड, नया कोड जो कि देखने के लिए मिलेगा, आजकल यही चल रहा है जो कि, क्योंकि टीवी में इस तरह का जो पिन लगता था पहले वो अब नहीं आ रहा है, सभी कंपनियों ने बंद कर दिया है। और इस तरह से कोड आएगा जो कि आपका टीवी में ये जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है कि इस तरह का आप केबल लेके आए और लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक कनेक्टर आपको ये मिल जाएगा। और आपको रिमोट के लिए बैटरी मिल जाएगा और इसमें 2 स्क्रू है आपको टीवी के नीचे जो स्टैंड लगता है उसके लिए, और एक डिस्क का कोड इस तरह से कन्वर्टर आ जाएगा आपको। और इसमें एक काफ़ी मोटा बुक दिया गया है जैसे कि देख पा रहे हैं, और कुछ गाइडेंस दिया गया है। और ये रहा इसका नीचे का स्टैंड, बस इतना हुआ ही स्टैंड आता है। तो टीवी हम लोग निकाल लिया है, चलिए इसे अब देखते हैं किस तरह से मॉडल है ये। तो काफी अच्छा मॉडल लग रहा है, लुक वाइज काफी अच्छा है और पीछे बैक साइड में इस तरह से देख पा रहे हैं आप, तो काफी स्लिम बनाया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अल्ट्रा PX प्लस HDR दिया गया है इसमें, जिससे क्या होता है पिक्चर क्वालिटी आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो पर्सनल कंप्यूटर की तरह इसे यूज कर सकते हैं। कंटेंट गाइड दिया गया है इसमें, म्यूजिक सिस्टम जो कि इसमें इनबिल्ड है कितना वाट का है, आगे हम लोग फीचर्स के बारे में जानेंगे उसमें बताएंगे आपको। और फ्रेंड्स, ये 2-स्टार में आ जाता है आपको। तो आप देखते हैं कि इसमें कनेक्टिविटी क्या है, पोर्ट्स कौन कौन सा दिया गया है, आप कैसे टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं, सारा कुछ देखते हैं हम लोग। यहाँ आपका पावर कोर्ड लग जाएगा और बाकी के ये साइड में आपका दिया गया है जितना भी है। तो USB दिया गया है यहाँ पे और 2 HDMI पोर्ट दिया गया है, एक ख़राब हो जाता है तो दूसरे में आप लगा के HDMI का यूज कर सकते हैं आप। तीसरा है डिजिटल ऑडियो आउट, ऑडियो को जो आउट है यहाँ पे दिया गया है, डिजिटल वाला जो होता है उसके लिए। और लैन वायर भी दिया गया इसमें, ये बहुत बड़ा फैसिलिटी है कि डायरेक्ट आप टीवी को अपने जो भी वाईफाई वगैरह लगा के रखे हैं उसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, केवल तार जोड़ दीजिए और पिक्चर देखना शुरू कर दीजिए। और एक एंटीना के लिए दिया गया है जो कि आजकल यूज होता नहीं है, और ए भी इन जो जिस कोड को मैंने दिखाया था फ्रेंड्स, जो 3 कोड आते हैं वो कन्वर्ट होके यहाँ आपका लग जाएगा। और बाकी माउंट के लिए जैसे कि देख पा रहे हैं, माउंट के लिए आपको इतना बड़ा दिया गया है, आप यहाँ से स्क्रू डाल के माउंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पोर्ट्स, सारा पोर्ट्स, और पावर बटन जो है फ्रेंड्स जस्ट इसके नीचे दिया गया है। तो चलिए इसे पहले ऑन करते हैं हम लोग, उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे हम लोग, पहले इसका पावर कोड हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, टीवी ऑन हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कनेक्ट करते हैं नेट को, पहले वाईफाई हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट में बात करेंगे फ्रेंड्स वाईफाई किस तरह से कनेक्ट करना है, तो पहले हम लोग को जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद ओके उसमें दबाना है आपको,
उसके बाद जाना है हम लोग को, जनरल में जाना है, उसके बाद इधर नेटवर्क में आ जाना है आपको, उसके बाद ओपन नेटवर्क सेटिंग, इसमें आपको ओके करना है, उसके बाद वायरलेस लिखा हुआ उसमें आपको ओके करना है, उसके बाद वो ये खुद ब खुद सर्च कर लेगा कि आपका कौन सा नेटवर्क है। तो इस तरह से आप उसमें अपना कनेक्शन के लिए बोल रहा है, उसमें पासवर्ड डाला हुआ है, तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स कनेक्ट हो चुका है। पिक्चर क्वालिटी इसका देखते हैं किस तरह से है, उसके लिए हम लोग 4K वीडियो चलाना होगा। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है इसका, इसमें HDR सपोर्ट दिया गया है, जिससे क्या होता है क्वालिटी और भी बेहतर हो जाता है। और व्यूइंग एंगल का बात कर लें कि अगर पहले साइड से जो आप देखते थे टीवी, तो साइड से देखने से क्या होता था कि आधा स्क्रीन ब्लैक हो जाता था साइड में जाने के बाद, लेकिन आजकल का ये नहीं है कि साइड में जा रहे हैं तो ब्लैक हो जा रहा है, वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं है। साइड से भी आप देखिएगा तो काफ़ी क्लियर दिखेगा आपको, जैसे कि साइड से मैं आ गया हूँ तो देख पा रहे हैं, साइड से भी बैठ के आप आसानी से देख सकते हैं टीवी, कोई भी ब्लैक होने का चांस नहीं रहता है इसमें। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रेंड्स टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो दिया गया है, और जो कि 20 वाट का स्पीकर इसमें लगा हुआ है, तो चलिए प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से इसका आवाज आता है। मिररिंग का जो मोबाइल से कनेक्ट करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं, बड़ा स्क्रीन का मज़ा ले सकते हैं, वो भी इसमें फीचर्स दिया गया है। और रिमोट में सारा फीचर्स दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह का आपको रिमोट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ओके बटन ये है, और यहाँ से हैंडल कर सकते हैं आप सारा कुछ। वारंटी की बात कर ले फ्रेंड्स, तो 1 ईयर का इसमें प्रोडक्ट का वारंटी है, कुछ भी हो जाता है तो आपका गिरना टूटना बस नहीं चाहिए, बाकी कंपनी वाले आपको बना के देंगे, या बनेगा नहीं तो रिप्लेस करके ज़रूर देंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स मेन चीज़ प्राइस, तो MRP जो है इसका 23,900 रुपये MRP है, लेकिन आपको ये 17,000 से 18,000 के बीच में आसानी से मिल जाएगा। और ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जब ऑफ़र चलता है तो 17 से 18 उससे कम में भी मिल सकता है, लेकिन जब ऑफ़र नहीं चलता है तो TV का रेट काफ़ी हाई हो जाता है, लगभग 20 के अराउंड में आपको मिलेगा। तो ऑफ़र का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद लीजिए, 2-4 दिन में ऑफ़र आते रहता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन सा TV का आप रिव्यू चाहते हैं, अगर दूसरा TV आपको पसंद है तो TV का आप मॉडल बता सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम लोग ज़रूर से ज़रूर उसका वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।